है मस्ताना आइए आइए बैठो हाय आंटी नमस्ते आंटी नमस्ते आंटी क्या भाई जगत सिटी में नहीं थे क्या कितने दिन से यहाँ आए नहीं सिटी में नहीं था आंटी थोड़ा बिजी चल रहा था ओ बाय द वे ये सारे मेरे फ्रेंड हैं बेस्ट फ्रेंड हाय हाय ओ आई सी हाँ लड़कियाँ अपने कमरे में जाके तैयारी करो खूबसूरत लड़की बोला था यहाँ तो एक भी नहीं दिखाई दे रही अपना मुंह बंद रख यहाँ हर तरह की मिलती है ओके हेलो हो हाँ ओ सॉरी टोटल आज नहीं हो सकता कहीं और जाकर देख लीजिए अरे आंटी टोटल टेंशन ला रही है लगता आज प्रोग्राम कैंसिल होगा हट तेरी जान ले लूंगा उठी जाओगे तो वहाँ मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है वहाँ अरेंज करा सकती हूँ डोंट वरी ओके लगता है तुम सब फ्रेश होकर आए हो हम लोग पहले से ही फ्रेश हैं आंटी लेकिन ये हमें जबरदस्ती लेकर आ गया जगन जो भी करता है अच्छा करता है तुम इस रात को हमेशा के लिए याद रखोगे और तुम लोग जवान हो तो मैं किस बात की चिंता फिर भी तुम सबकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्या आंटी हम सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं मगर अनुभव के लिए जगन हम सबको यहाँ लाया है आपसे मिलना आपसे परिचय होना हमें बहुत खुशी हो रही है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मगर फिर भी सच्चाई क्या आंटी आजकल आपका मोटापा कुछ बढ़ गया है वो ग्लैमर नजर नहीं आ रहा है इसकी वजह क्या है इंसान की जिंदगी में सुख शांति ना हो तो ग्लैमर कहाँ से आएगा दोनों में से एक भी ना हो तो ग्लैमर नहीं आता आपको क्या कमी है यहाँ तो सब कुछ है फिर भी सब कुछ नहीं है दुख तकलीफ में संभालने वाला ही अपने से दूर रहे तो क्या होगा बोलो अच्छा तो अंकल तो फिर ये कौन है कौन वो एक समय था जब वो मेरा कस्टमर हुआ करता था मगर अपना सब कुछ गवा कर आज ऐसा हो गया है शादी करके मुझे खुशियाँ देने वाला अमेरिका चला गया है और वो 4 महीने तक लौट कर अच्छा, नहीं तो आ सकता है आपका दुख उनका नाम क्या है डीके रामा ये क्या रामा राव का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे क्यों उतर गए ऐसी कोई बात नहीं आंटी ये डीके रामा राव